ये देखिए, खाइए व्यूअर। कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो कल वीडियो नहीं बनाई और अब देखते हैं। सुबह हुई है, सुबह की सुबह 7:30 बज रहा है, 7:30। तो अभी हम तो चाय से ही शुरुआत करते हैं, तो आपको दिखाते हैं चाय का। पहले पानी चढ़ा दी, गैस जला दी, ये पानी चढ़ा दी। इसमें ना लाल चाय बना रही हूँ, एकदम थोड़ा सा ही चाय पत्ती डालती हूँ। देखिए, मतलब कि हाथ से दिखाई, इससे इतना ही सा चाय पत्ती डालती हूँ बस, ज़्यादा नहीं। और एक चम्मच चीनी डालती हूँ बस, ज़्यादा नहीं। और इसी समय थोड़ा अदरक कूट के डालती हूँ। और एक खास चीज़ है, वो दिखाती हूँ। वो खास चीज़ है, देखिए, एक खास चीज़ है, थोड़ी चुटकी भर काला नमक, चुटकी भर। और ये नींबू निचोड़ती हूँ, पहले से तैयार करके रख लेती हूँ, जब तक वो थोड़ा सा खोल जाएगा, थोड़ा सा ही। आजकल थोड़ा रस आ रहा है अच्छे से नींबू में, ये सुबह का। सुबह सुबह गर्म पानी पी ली, डेली रूटीन में कभी कभी ये दिखा देती हूँ। देखिए, इतना रस निकल गया आधे में, और ये खोल रहा है, होने वाला है। चाय हो गया, अब गैस बंद करती हूँ और चाय को छान लेती हूँ। ये देखिए, चाय हो गया तैयार। चीयर्स। आपके साथ चाय पीते हैं। सुबह में किचन थोड़ा, रात को साफ था, अभी मैं ही गंदा कर दी। चलिए, तो आपके साथ चाय पीते हैं। ये देखिए, हम बिहारी लोग ना चिवड़ा बड़े प्रेम से खाते हैं, तो आज हमारा बेटा का नाश्ता है चिवड़ा। तो मैं चूड़ा रखी हूँ और दूध चूड़ा खाएगा, क्योंकि उसको थोड़ा सर्दी खांसी है, सर्दी है, तो दूध गर्म कर दी हूँ। और इसमें क्या डालूँगी? ये डालूँगी मलाई। तो ऐसे ही अलग अलग नाश्ता है, सबका हेल्थ के ऊपर भी होता है ना। ये देखिए, और मैं खाऊंगी अभी नाश्ता में आलू पराठा। तो ये आटा है, और ये देखिए जुगाड़ू है, जुगाड़ू इसको बोलते हैं, जुगाड़ू। देखिए, मेरे पोती को पढ़ने के लिए बैठाए थे ना, वो पढ़ना नहीं चाहती थी, तो पूरे काट दी ये इसको ना, साइड साइड से जहां जहां बैठी वहां वहां काट दी। देखिए, मुझे खाना है दही, और दही है ठंडा, तो इसको क्या की हूँ, गैस पर गर्म पानी चढ़ा दी हूँ। ये गर्म होगा तो ये दही हो जाएगा खाने लायक नॉर्मल टेम्परेचर का। तो इसको मैं गरम कर रही हूँ, ऐसे ऐसे जुगाड़ करती हूँ। देखिए, अभी ठंडी का दिन है, तो रात को बना था आलू पराठा, तो मैं नहीं खाई थी, तो फिर बच गया था थोड़ा। तो इसको मैं आलू पराठा भी नाश्ता करूँगी, गैस का दवाई लूँगी, फिर आलू पराठा खाऊँगी नाश्ता दही के साथ। और ये बच्चा को दे देती हूँ, ये दूध ज़्यादा ही गर्म हो गया। ये ज़्यादा ही गर्म हो गया, अब इसको फिर ठंडा करना पड़ेगा, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। तो जुगाड़ क्या करूँगी, इसमें थोड़ा ठंडा दूध मिला दूँगी, हो जाएगा। है ना? हर चीज़ का जुगाड़ करना पड़ता है। थोड़ा बचा हुआ था, एक और आलू डाल देती, इसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा प्याज सब डाल के, और इसको मैश करके, ये देखिए, और मैं बना लूँगी अपने लिए। ऐसे करके दो पराठा के लिए काफ़ी है।
ये आटा भी ठंडा गया है। ये देखिए, इसको बोलते हैं जुगाड़, ये सब जुगाड़ करके होता है। आप लोग भी ऐसे किया करिए, देखिए क्या क्या है फ्रिज में बचा हुआ, उसका जुगाड़ कर लीजिए। आज हमारा नाश्ता यही रहेगा। जब तक वो बन रहा है, जब तक दूसरा तो मैं दो पराठा नाश्ता करती हूँ, दो पराठा तो एक बन गया और एक बना रही हूँ, तो गर्मा गर्म बनाती हूँ, गर्मा गर्म खाती हूँ। अभी दिखाऊंगी, दही के साथ खाऊंगी ना, दिखाती हूँ ये बना के। ये देखिए, खाइए व्यूअर लोग, खाइए आलू पराठा। इस सर्दी का पहली बार आलू पराठा और ये दही, खाइए हमारे साथ। गर्मा गर्म बनाइए, गर्मा गर्म खाइए। ये भी जुगाड़ है, गर्म है पराठा तो इसको ठंडा करने का जुगाड़ इसमें डाल दिए तो ये ठंडा हो गया, फिर इसको दही लगाइए और खाइए। जुगाड़ करके खाइए। और आगे दिखाएंगे क्या क्या और करते हैं। दाल चढ़ाई हूँ, मूंग के दाल अभिषेक के लिए, और यहाँ प्याज छील रही हूँ, भुजिया बनेगा उसके लिए। दिनों में धनिया बहुत मिल जाता है थोड़ा अच्छे रेट से, ये बहुत सारा लाके इसका ना जड़ काट के इसको पेपर में लपेट के और रखेंगे कपड़ा में बांध के, तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये इसको रख रहे हैं अभी काट के। संडे है तो ढेर सारे फ्रूट आया है, जिसमें है पपीता है, ये देखिए रिलायंस से आया है, उसके बाद ये संतरा है, अमरूद है, केला है, तो सारे फ्रूट आया है आज, और भी और फ्रूट उधर है बहुत सारे। और इसमें है तो जिसको खाना है आ जाइए खाइए। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी तक का दिखा दी मैं मॉर्निंग का, तो अभी 10 बज रहा 11 बज रहा है, तो इतने देर का ये सब है रूटीन आज का, ये सब हुआ। देखिए तो धनिया को अच्छे से रखने का एक ये तरीका है, देखिए हम जैसे रखते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये धनिया है, इसका हम जड़ काट लिए पूरा, और इसमें जो भी है इसको सबको हम निकाल दे रहे हैं चुन चुन के, जो भी जैसे ये पीला हो गया है इसको हम निकाल देते हैं ऐसे करके। इसको ये नहीं, जब हमको डालना हो तब हम धोएंगे, फिर इसको ना हम अच्छी तरह से हम फोल्ड कर देंगे इसको, इसको ऐसे करके इसको हम ऐसे 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 करके फोल्ड कर देंगे। इस
करके मोड़ दिए। इसको मोड़ के और इसके अंदर में इसको डाल देंगे। ये देखिए इसमें डाल के इसको रख देंगे। तो ये ऐसे निकालना हो तो निकालिए और फिर इसको ऐसे रख दीजिए, यूज करिए। कम से कम 8 दिन तो ये 10 दिन रह जाता है आराम से अच्छे से। फ्रूट है ना, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आज संडे के दिन सब कुछ आ जाता है, देखिए। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियो को देखते रहिए, हम आगे आगे बना के दिखाते रहेंगे।